बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इंटरेस्ट चेस मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज जो जिस पेपर को हम अपलोड करने की कोशिश करते हैं वो पेपर है स्टीनो टाइपिस्ट का। ये पेपर 20 जनवरी 2021 यानी कल ही ये पेपर हो चुका है, और इसी पेपर को मैं अपने दूसरे चैनल पर बाई पार्ट्स अपलोड कर चुका हूं। इस चैनल पर मैं ओनली एंड ओनली पुल पेपर इन वन वीडियो, सिंगल वीडियो में पूरा पेपर मैं अपलोड करता हूं। इस चैनल पर आपको जितने भी पेपर्स मिलेंगे वो एक ही वीडियो में कंप्लीट पेपर मिलेगा, सिवाय मैथमेटिक क्वेश्चन के। तो ये पेपर जो होता है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैबिनेट सेक्रेटरिएट पॉवर्टी एलिविएशन एंड सोशल सेफ्टी डिवीजन के लिए कंडक्ट हुआ था, और पेपर डिपार्टमेंट ने खुद लिया था। पेपर शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिये ये पेपर जो था, पेपर फॉर द पोस्ट ऑफ स्टीनो टाइपिस्ट पॉवर्टी एलिविएशन एंड सोशल सेफ्टी डिवीजन, इंस्ट्रक्शन लिखे गए हैं, इंस्ट्रक्शन आप खुद पढ़ लें। और इसमें सेक्शन वन जो है टोटली कंप्यूटर साइंस से एमसीक्यूज है। क्वेश्चन नंबर वन लिखा हुआ है कि द मोस्ट वाइडली यूज्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। एक्चुअली वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है उसमें वो तमाम सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जिसमें जस्ट हम टाइपिंग कर सकते हैं। उसमें वर्ल्ड परफेक्ट, वर्ल्ड एमएस वर्ल्ड, वर्ल्ड स्टार, नोटपैड वगैरह ये तमाम आते हैं। ये तमाम के तमाम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर जो है दैट इज माइक्रोसॉफ्ट का वर्ल्ड है, एमएस वर्ल्ड माइक्रोसॉफ्ट का वर्ल्ड। और क्वेश्चन नंबर टू जो है, देखिये क्वेश्चन नंबर टू कहते हैं द वर्ल्ड विंडो हैज मेनी ऑफ द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ अ टिपिकल विंडो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड का जो इंटरफेस है वो कहते हैं टिपिकल विंडोज में टाइटल भी होते हैं, मीनू बार और बॉर्डर्स, तो ये तमाम ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर तीन देखिए, थ्री नंबर क्वेश्चन द वर्टिकल स्क्रू बार मूव द डॉक्यूमेंट। तो वर्टिकल स्क्रू बार ये लेफ्ट राइट साइड पर आप देखिए ये वाला जो नजर आ रहा है ना, इसको वर्टिकल स्क्रू बार कहते हैं, और ये क्या करता है आपके डॉक्यूमेंट्स को अप एंड डाउन ऑन द स्क्रीन लेके जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। और इस तरह चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर को, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेंट बटन्स फॉर बोल्ड पेस अटालिक एंड अंडरलाइन। तो ये परमेटिंग टूल बार में होता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। और पांच नंबर एरिया इन विच टेक्स्ट इज एंटर्ड मैनिपुलेटेड एंड व्यूड। जहां पर हम लिखाई करते हैं एमएस वर्ड में उस विंडो को डॉक्यूमेंट विंडो कहते हैं, ऑप्शन सी है। और छह नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच सॉफ्टवेयर कैन बी यूज फॉर गिविंग प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट जो है दिस इज अ प्रेजेंटेशन टूल है, और इसमें क्या करते हैं हम प्रेजेंट करते हैं। And what is presentation? Presentation is the process to present something in a better way. Seven number question कहते हैं कि the process of erasing a disk is called formatting. Option B है. Similarly, question number eight, in Excel, which one is denoted a range from B1 to E5? Option B देखिए, B1 column, B E5. इसमें हम colon लगाते हैं, colon यहाँ पर, ठीक है। और नाइन नंबर क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नाइन नंबर क्वेश्चन क्या, व्हाट इज अनदर नेम फॉर अ नोटबुक पीसी। नोटबुक पीसी को जो बड़ा ना दूसरा नाम दिया जाता है दैट इज लैपटॉप। और दस नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि हार्डवेयर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। हार्डवेयर द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर, और ऑप्शन बी ए करेक्ट है। और जो फिजिकल नहीं है दे आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। 11 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जिस तरह इंसान की रूह और जिस्म, इसी तरह कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, तो सी करेक्ट ऑप्शन है, बोथ ए एंड बी। यहां पर बी लिखना भूल गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए,
CPU is an example of, this is an example of hardware. CPU को हम touch कर सकते हैं, and this is the physical part of computer. और question number 13 कहते हैं कि RAM is what? RAM is volatile memory. Volatile memory वो memory होती है जिसमें memory document या जो भी है file वगैरह उस वक्त तक पड़े रहते हैं जब तक वो कंप्यूटर ऑन हो, पावर ऑन हो, जब जैसे ही पावर ऑफ हो जाए तो उस मेमोरी लॉस्ट हो जाती है. 14 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन डेट रन द कंप्यूटर आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर. तो यहां पर हमें सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन भी मिल गई. व्हाट इज सॉफ्टवेयर? अ सॉफ्टवेयर इज अ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन रिटन इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज डेट रन अ कंप्यूटर. ऑप्शन डी है. और क्वेश्चन नंबर 15 देखें, Which one is faster? तो register is faster than cache, लेकिन confirm करना पड़ेगा आपको. Question number 16 देखे, Which port is not an output device? There are two types of devices, input devices and output devices. Input devices through which we enter data into a computer. तो कहते हैं इसमें वो कौन सा है जो output device नहीं है. तो ऑप्शन ए डिजिटल कैमरा इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस बट दिस इज एन इनपुट डिवाइस. ऑप्शन ए शो, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन हो गया. तो क्वेश्चन नंबर 17 देखें, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस इज कीबोर्ड. ये तमाम के तमाम जो दिए गए हैं ये तमाम इनपुट डिवाइसेस है, बट द ओनली डिवाइस कीबोर्ड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड. और 18 नंबर क्वेश्चन, अ डॉस यूजर प्रेजेंटेड विद दिस. तो दिस कहते हैं कि ये निशान ये क्या करता है, ये प्रॉम्प्ट को रिप्रेजेंट करता है. ऑप्शन ए है. और 19 नंबर क्वेश्चन, एमएस डॉस वाज डिजाइन टू यूज अ करेक्टर बेस इंटरफेस. ऑप्शन बी है. क्वेश्चन नंबर 20 कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? स्प्रेडशीट. बाकी तमाम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर टेक वर्क फ्रॉम हार्डवेयर, व्हाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर यूजर रिक्वायरमेंट. आगे देखिए, नेक्स्ट पार्ट जो है दोस्तों वो है सेक्शन सी, और पाकिस्तान स्टडीज का पार्ट है सेक्शन टू. सेकेंड नंबर सेक्शन है पाकिस्तान स्टडीज का है. 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज फास्ट वॉट फॉट इन द ईयर 1857. जंग आजादी 1857 में लड़ी गई थी. खुद भाई अलाहाबाद अलाम इकबाल ने कब डिलीवर किया था? 1930 में. और आगे जो क्वेश्चन है 23 नंबर, इस्लामिक डेट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान 27 रमजान है. 24 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि द ऑफिशियल नेम ऑफ पाकिस्तान इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जो कि 1956 के आईन में दिया गया था. 25 नंबर क्वेश्चन, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज लियाकत अली खान एंड द सेकंड वाज ख्वाजा नाजिमुद्दीन थे. और 26 नंबर क्वेश्चन, हु काइंड द नेम ऑफ आवर कंट्री एज पाकिस्तान. पाकिस्तान का नाम सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने 1933 में. क्वेश्चन नंबर 27 देखे, ऑन व्हाट डेट एंड ईयर पाकिस्तान बिकेम द मेंबर स्टेट ऑफ यूनाइटेड नेशन. तो इसमें कोई भी करेक्ट नहीं है. 30/9/1947 था एक्चुअल. 28 नंबर क्वेश्चन देखे, इन विच ईयर इस्लामाबाद डिक्लेयर्ड, ये 1967 की बात है, अगस्त 1967. 29 नंबर देखे, When did the state Bahawalpur acceded to the state of Pakistan? 1955. और ये पहला स्टेट था दोस्तों, इसके बाद बाकी स्टेट बाद में आए. 30 नंबर क्वेश्चन, पाकिस्तान केम इन टू बींग वेन फर्स्ट हिंदू ऑफ सब कॉन्टिनेंट बिकेम मुस्लिम. ये स्टेटमेंट कायद आजम का है. क्वेश्चन आगे सेक्शन 3 जो है दोस्तों दैट इज अबाउट इंग्लिश. और क्वेश्चन नंबर 31, ही इज द मेन ऑफ प्रिंसिपल्स. ऑप्शन ए, ये प्रिंसिपल और प्रिंसिपल. ऑप्शन बी जो है ना, प्रिंसिपल इदारे का सरबराह, और दूसरा प्रिंसिपल उसूल. 32 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि डोंट कॉल विद योर बॉस आर यू विल गेट इनटू हॉट वाटर. ऑप्शन बी करेक्ट है.
और क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन देखिए 33 द हेड क्लर्क इज ऑल इन ऑल, इसमें ये दोनों लग सकते हैं दोस्तों, ठीक है तो आप चेक कर ले। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए द प्राइम मिनिस्टर विल बी इन द ईयर, ऑप्शन ए करेक्ट है। एंड क्वेश्चन नंबर 35 कहते हैं वी आर अकस्टम टू द हीट इन पाकिस्तान, आदि हो जाना, ऑप्शन ए। 36 नंबर कहते हैं द काउ वाज ब्रॉट, लेके आ गई एल्टर, कुर्बान गाह को कहते हैं, फॉर सेक्रीफाइस, कुर्बानी के लिए, और दूसरा एल्टर तब्दीली को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि वी ईच अदर फॉर द पास्ट 10 ईयर वी न्यू, ऑप्शन बी है। और क्वेश्चन नंबर 38 कहता है आई सेंट, ऑप्शन बी लगेगा, अ लेटर टू माई ब्रदर यस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 39 इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ऑप्शन सी लगेगा। और 40 नंबर किस तरह कहते कि हैव यू कैरीड आउट, ऑप्शन सी लगेगा। और आखिरी पार्ट देखिए इस्लामियात का पार्ट, खुलफाए राशिदीन की तादाद कितने हैं, 4 है, ऑप्शन बी लगेगा। और 42 नंबर क्वेश्चन नमाज़ी वितर में कौन सी दुआ पढ़ी जाती है, दुआए कुनूत, ऑप्शन बी करेक्ट है। 43 नंबर क्वेश्चन इस्लाम के बुनियादी अरकान 5 है। और 44 नंबर क्वेश्चन खाना काबा सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था। और क्वेश्चन नंबर 45 कहते हैं जुलहज अराफात का दिन 9 जुलहज्जा, ऑप्शन 9 है, जीम है, कातिबी वही जो है साद हजरत सैयदिन साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। 47 नंबर क्वेश्चन कौन से जलीलुल क़दर सहाबी को सैयदुश शुहदा कहते हैं, सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और क्वेश्चन नंबर 47 देखे 48 शबीर शबर, ये सैयदना इमाम हुसैन व सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन को कहा जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन ये जो दिया गया है ना कि खुदा की कसम अगर किसकी तरफ से ज़कात में ऊंट की रस्सी भी निकलती हो या लागू होती हो तो मैं उसूल करूंगा, ये अल्फाज हजरत अबूबकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हैं। और 50 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि कुरान शरीफ का दिल सूरह यासीन को कहते हैं। तो इसके साथ पेपर कंप्लीट हो गया दोस्तों। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई समझ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक करना है, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।